हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास लॉन्ग एंड शॉर्ट के भाग 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। यानी देवी प्रसाद को डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया कि आप फिट रहने के लिए हर दिन 2 किलोमीटर दौड़िए। He took one round of this field. How far did he run? तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर के आकार में, स्क्वायर शेप में एक फील्ड है और देवी प्रसाद हर दिन उस फील्ड का राउंड लगाता था, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि जब देवी प्रसाद उस फील्ड का एक राउंड लगाता था तो वो कितने किलोमीटर दौड़ता था या कितने दूर दौड़ता था। हाउ फार डिड ही रन। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि देवी प्रसाद कितने दूर दौड़ रहा था। बच्चों अब यहां पर देखिए ये जो फील्ड है ये स्क्वायर है, इसके एक तरफ में इसकी जो लंबाई है 500 मीटर है, फिर यहां पर देखिए इसकी चौड़ाई भी 500 मीटर है, 500 मीटर 500 मीटर, तो ये स्क्वायर है ना। हर तरफ, हर साइड सब एक जैसे है, इक्वल है, ऑल साइड आर इक्वल, तो हर साइड 500 मीटर की है। तो बच्चों अगर हम इस फील्ड का एक राउंड लगाएंगे तो वो कितना होगा, इसको हम कैसे पता करें। इसका दो तरीका है, स्क्वायर का जो राउंड अगर पता करना है, स्क्वायर का जो यहाँ पर जो हम राउंड लगाते हैं उसको अगर पता करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि हम इन चारों साइड को प्लस कर ले। चलिए प्लस करते हैं। यहां पर पहला साइड 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर। तो जैसे यहां पर कहा गया था, ही टुक वन राउंड ऑफ दिस फील्ड, सिर्फ उसने एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में चारों साइड्स को हम प्लस कर देंगे। तो यहां पर चारों साइड्स को मैंने लिख दिया कि वे कितने मीटर के हैं, ठीक है। तो अब इसको जब प्लस करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 500 प्लस 500 1000 प्लस 500 1500 प्लस 500 2000, यानी कि यहां पर टोटल हो रहा है 2000 मीटर, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था इसके दो तरीके हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को पता करने के लिए इसके दो तरीके हैं। क्या करेंगे, क्योंकि हर तरफ सेम है, चारों साइड्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे किसी भी एक साइड को ले लेंगे, ठीक है। यहां पर एक साइड को मैंने ले लिया 500 मीटर। अब इसके कितने साइड्स है, 4 इक्वल साइड्स है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 0 0 4 0 0 4 5 20, तो यानी कि यहां पर हो जा रहा है 2000 मीटर। देखिए दोनों आंसर्स सेम है। तो बच्चों 2000 मीटर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आपको पता ही होगा एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमने पहले ही सीखा था ना, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये रहा 2000 मीटर। मैंने क्या कहा था, 1000 का मतलब क्या होता है, हम 1000 का और मैथ्स में किलो कह सकते हैं, है ना, किलो जो वर्ड होता है वो 1000 है। तो यहां पर 2000 की जगह 2 किलोमीटर, तो हम यहां पर आंसर लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, शॉर्ट में हम 2 km लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चोज ए पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। ये जो फील्ड था देवी प्रसाद के घर से काफी दूर था, तो उसने उसके घर के नजदीक में जो एक छोटा सा पार्क था, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, तो उसके घर के पास जो एक पार्क था। बच्चों यहां पर देखिए ये जो इमेज आपके बुक में भी है, यहां पर ये छोटी सी एक पार्क बनी हुई है, तो देवी प्रसाद उस पार्क में जाया करता था रनिंग के लिए, पर इसका जो बाउंड्री है काफी छोटा है। डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपको हर दिन 2 किलोमीटर दौड़ना है, जैसे पिछले फील्ड में उसने 2 किलोमीटर दौड़ा था, यहां पर देखिए 2 किलोमीटर उसने दौड़ा था, है ना। पर बच्चों इसका जो बाउंड्री है ये 400 मीटर है,
वहां पर एक ही राउंड में 2 किलोमीटर कंप्लीट हो रहा था, पर ये पार्क तो छोटा है, इसका बाउंड्री 400 मीटर है। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। बच्चों अब इस पार्क में अगर मैं एक ही राउंड लगाऊं, एक ही चक्कर लगाऊं तो सिर्फ 400 मीटर होगा, पर देवी प्रसाद को दौड़ना कितना है, 2000 मीटर है ना। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि देवी प्रसाद को इस पार्क के कितने राउंड लगाने होंगे, तब जाके उसका 2000 मीटर या 2 किलोमीटर कंप्लीट हो। चलिए पता करते हैं, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर जो पार्क था उसका बाउंड्री है 400 मीटर। ठीक है, अभी हमको पता करना है कि उसके कितने राउंड लगाते हैं। तो हम इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चक्कर लगाने हैं 2000 मीटर है ना, और यहां पर बाउंड्री है 400 मीटर, तो 2000 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 400 मीटर से। ठीक है, अब डिवाइड, चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं कि किस प्रकार डिवाइड होगा। यहां पर देखिए, पहले मैंने 2000 लिख दिया, फिर डिवाइड कर रहा हूं मैं 400 से। ठीक है, तो हम इसको कुछ इजिएस्ट वे में करेंगे। देखिए सबसे इजी तरीका है, अगर नीचे में भी जीरो है ऊपर में भी जीरो है तो हम उन जीरोस को काट देंगे। ठीक है, यानी कि हमें उसे हटा देना है। ठीक है, तो हम इस जीरोस को हटा देंगे, नीचे दो जीरोस है इसे भी हटा देंगे और ऊपर के दो जीरोस इसे भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों अब 4 के टेबल में 20 कहां पर आता है वो देखिए, 4 के टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 कहां आ रहा है, 4 5 20। तो यहां पर 4 5 20। ठीक है, 4 के टेबल में 4 1 4 आ रहा है, 4 के टेबल में 4 5 20। तो यहां पर 5 राउंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राउंड्स। अगर देवी प्रसाद पार्क के 5 राउंड अगर लगाता है तो उसके 2000 मीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2 किलोमीटर का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर देवी प्रसाद उस पार्क का 5 राउंड्स अगर लगाएगा तो क्या 2 किलोमीटर कंप्लीट होता है या नहीं, हमने जो डिविजन किया है उसका आंसर भी चेक हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जो 400 है ये पार्क का बाउंड्री है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने राउंड्स, 5 राउंड्स। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये 2 किलोमीटर होता या 2000 मीटर होता है या नहीं। ठीक है, 5 0 0 5 0 0 5 4 20। तो देखिए बच्चों यहां पर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है ना, तो ये हो गया 2000 मीटर। यानी कि देवी प्रसाद के जो 2 किलोमीटर जो डॉक्टर ने कहा था वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो देवी प्रसाद अगर उस पार्क के 5 राउंड्स लगाएगा तो उसके 2000 मीटर या 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गेट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स, दैट डे ही रैन डैश किलोमीटर। एक दिन देवी प्रसाद ने उस जो पार्क था उस पार्क के 8 चक्कर लगाए, 8 राउंड्स, यानी कि दिन बहुत अच्छा था तो वो दौड़ते ही गया, जब तक कि वो थक नहीं गया, तो उसने दौड़ते हुए टोटल 8 राउंड्स लगाए। तो अब हमें पता करना है, अगर देवी प्रसाद ने उस पार्क के 8 राउंड्स लगाए तो उसने कितने मीटर्स रनिंग कंप्लीट की है या कितने किलोमीटर्स। चलिए देखते हैं, पार्क का जो बाउंड्री था वो था 400 मीटर्स। ओके, अब उसने लगाया है 8 राउंड्स, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब 8 से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि कितना आएगा, जीरोस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएंगे,
तो दो जीरो यहां पर एट जीरो जा जीरो, अब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एट जा 32, यानी कि 3200 मीटर। तो बच्चों देवी प्रसाद ने टोटल 3200 मीटर कंप्लीट किया। अब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा था 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, अगर ये 3000 मीटर होता तो हम क्या कहते 3 किलोमीटर, है ना, अगर ये 3000 मीटर होता तो सिर्फ 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। अब 3 का तो 1000 हो गया, पर यहां पर 200 मीटर भी है, ठीक है। जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं जो थोड़ा बहुत जो मीटर रह जाता है उसे हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद लिखते हैं, तो हो जाएगा 3.2 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 3.2, यहां पर किलोमीटर दिया हुआ है 3.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रूम्स हाई, यहां पर कुतुब मीनार की एक पिक्चर है। अब द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। बच्चों ये जो कुतुब मीनार है ये जो जमीन से 72 मीटर्स ऊंची है, ठीक है, जो कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो है 72 मीटर्स। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। बच्चों यहां पर देखिए ये कुतुब मीनार कितनी लंबी है ना, है ना, ये 72 मीटर्स है। बच्चों आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो क्लासरूम है वो कितनी लंबी होगी, आपके जो क्लासरूम की जो फ्लोर है, फ्लोर से लेकर छत तक, वो कितनी लंबी हो सकती है, आप गेस कर सोचो। ये जब 72 मीटर्स है आपकी क्लासरूम तो इतनी लंबी नहीं होगी, कुछ नीचे तक ही होगी, है ना, तो आप गेस करके देखो। तो अगर मैं गेस करूं कि ये क्लासरूम, हमारा जो क्लासरूम है वो कितना ऊंचा है, तो मुझे शायद लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर होगी, है ना, आपकी जो क्लासरूम की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 3 मीटर हो सकती है, मैंने गेस किया। चलिए देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। बच्चों अगर आपके जो क्लासरूम है, मैंने अभी जैसे गेस किया था ना कि 3 मीटर, तो क्लासरूम जितनी हाइट की है, अगर उसी तरह कितने सारे क्लासरूम एक के ऊपर एक रख दिया जाए तब जाके कुतुब मीनार के बराबर पहुंच पाएगा हमारा क्लासरूम। अगर एक क्लासरूम 3 मीटर, उसके ऊपर और क्लासरूम रख दे तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर ना, 3 + 3 = 6 मीटर, पर ये कुतुब मीनार कितना है, 72 मीटर। तो बच्चों हमें और कितने क्लासरूम रखने होंगे उस एक के ऊपर एक, ताकि ये कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो कैसे पता करेंगे, हम जो कुतुब मीनार का जो हाइट है उसको डिवाइड कर देंगे हम अपने क्लासरूम के हाइट से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कुतुब मीनार का हाइट है 72 मीटर्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे हमने अपने क्लासरूम को जो गेस किया था कितने मीटर, 3 मीटर से, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया 72 और बाहर लिख दिया 3। अब यहां पर पहला जो नंबर है 7, अब 3 के टेबल में 7 आता है कि नहीं, नहीं आता है ना, तो 3 के टेबल में 7 से छोटा नंबर, 7 से पहले क्या नंबर आएगा, 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, 3 2 6। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 7 - 6 हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट नंबर को भी हम ला देंगे नीचे, ये जो है 2, इसको बगल में रख दिए 2, ठीक है। अब यहां पर ये बन गया 12, अब 3 के टेबल में 12 आती है ना, 3 4 12 3 यहां पर 3 है 3 4 12। अब इसको माइनस कर देंगे तो 12 - 12 0, तो हमने क्रॉस लगा दिया कि यहां पर और कुछ नहीं है, तो 2 के बाद कोई नंबर नहीं था तो मैंने इसे क्लोज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या निकला, 24। तो बच्चों अगर हम जो हमारे जो क्लासरूम है उसकी हाइट के रूम अगर 24 रूम्स को एक के ऊपर एक रख देंगे तब जाकर कुतुब मीनार का हाइट के बराबर पहुंचेगा, ठीक है।
तो इट विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार। तो बच्चों आप सोचिए ये आपके 24 क्लासरूम एक के ऊपर एक, तब जाके ये कुतुब मीनार का हाइट है ना। तो हम यहां पर इसका आंसर लिख देंगे 24 रूम्स। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा होता ना गेस हाउ मेनी रूम्स, तो 24 रूम्स। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ आप इस तरह गैसिंग गेम खेल सकते हैं, किसी भी चीज को देखकर कि इसका हाइट कितना है आप उसे गैस करिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम कोझिकोड टू थलेसरी। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर अवे। सुबोध कोझिकोड जा रहा था जो कि उसके घर से 24 किलोमीटर या 24 किलोमीटर दूर था। ठीक है, सुबोध को कोझिकोड पहुंचने के लिए 24 किलोमीटर जाना ट्रेवल करना पड़ेगा। मंजनी इज गोइंग टू थलेसरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पर जो पिक्चर है, यहां पर सुबोध है और यह है मंजनी। ठीक है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सुबोध जो है कोझिकोड जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सुबोध को कोझिकोड जाने के लिए कितने किलोमीटर जाने पड़ेंगे, 24 किलोमीटर। ठीक है, और मंजनी को थलेसरी उसको पहुंचने के लिए उसे जाने पड़ेंगे 46 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरफ 24 किलोमीटर, उस और 46 किलोमीटर। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलेसरी। तो हमें यह पता करना है कि कोझिकोड और थलेसरी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर कोई कोझिकोड से थलेसरी या थलेसरी से कोझिकोड जाएगा तो उसे कितने किलोमीटर ट्रैवल करने पड़ेंगे, चलिए पता करते हैं। मान लीजिए दोनों इस पॉइंट में खड़े हैं। ठीक है, अब सुबोध इस ओर जा रहा है, उसे जाना पड़ेगा 24 किलोमीटर। ठीक है, मंजरी उस ओर जा रही है थलेसरी की ओर, तो उसे कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, 46 किलोमीटर, है ना। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट के डिस्टेंस को अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किलोमीटर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 24 प्लस 46, तो हमें यह डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कोझिकोड से थलेसरी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम चलिए टोटल करते हैं, 24 प्लस 46 ये हो गया 4 प्लस 6 10, हाथ पे बैलेंस है 1 यानी कि 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, तो यहां पर आया 70, यानी कि कोझिकोड से थलेसरी 70 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कोझिकोड से थलेसरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। बच्चों यहां पर जो टॉपिक है इसमें बताना है घर से स्कूल कितने दूर है। ठीक है, यहां पर देखिए एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है मोमन के बारे में, यानी मोमन जब अपने घर से स्कूल जा रहा है तो उसे कितनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है या कितनी दूर चलना पड़ता है, चलिए पूरे स्टोरी को देखते हैं। मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। मोमन जब घर से निकलता है तो सबसे पहले उसे घर से पॉन्ड तक जाना पड़ता है जो कि 400 मीटर है। ठीक है, मोमन जब घर से निकलता है तो वो पॉन्ड तक जाकर पहले पॉन्ड पहुंचता है 400 मीटर पर। विद स्लीपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। उसे वो पॉन्ड को, वो तालाब को पार कर जाना पड़ता है। क्या करता है, चप्पल को लेकर अपने हाथों में उठाकर वो पॉन्ड को पार करता है। क्यों, क्योंकि पानी है ना बच्चों, पानी कीचड़ होता है तो उसे वो पार करता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। पहले वो घर से पॉन्ड तक गया, फिर उस पॉन्ड को क्रॉस किया जो कि 150 मीटर था। ठीक है, नेक्स्ट वो ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, वो पॉन्ड को क्रॉस करने, यहां पर देखिए घर से पॉन्ड
पॉन्ड को जब क्रॉस किया फिर उसे हरी भरी मैदान को क्रॉस करना था जो कि 350 मीटर से, यहां पर देखिए 350 मीटर। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द स्कूल। फिर उसके बाद ये जो पिक्चर देखिए बच्चों आपके बुक में भी है, उसके बाद उसे एक 40 मीटर का एक रोड क्रॉस करना रहता था जो रोड 40 मीटर चौड़ी थी, तब जाकर वो अपने स्कूल यहां पर पहुंचता था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डज मोहन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। अब हमें यह पता करना है कि मोहन हर दिन जो स्कूल जा रहा था उसे कितनी दूर चलना पड़ता था, या घर से स्कूल तक का रास्ता कितनी दूर था। चलिए पता करते हैं, मोहन ने जितने चीजें पार की जैसे पॉन्ड, फिर ग्रीन फील्ड, ठीक है, पॉन्ड तक का रास्ता, हम उन सबका डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें उसके घर से स्कूल तक का रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले घर से देखिए, यहां ये जो घर है उसका, वो निकलता है पॉन्ड तक के लिए। ठीक है, ये पॉन्ड मान लीजिए, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस था, 400 मीटर। ठीक है, फिर वो जो पॉन्ड था, ये जो पॉन्ड था वो भी 150 मीटर था। ठीक है, उसके बाद पॉन्ड को जब क्रॉस कर दिया उसके बाद उसे यहां पर ग्रीन फील्ड था, तो वहां पर उसे 350 मीटर ग्रीन फील्ड को पार करना पड़ा। ठीक है, फिर ग्रीन फील्ड को पार करने के बाद उसे रोड क्रॉस करना पड़ा जो कि कितने मीटर थी, 40 मीटर, यहां देखिए 40 मीटर। ठीक है, तब जाकर वो स्कूल पहुंचा। ठीक है, ये था स्कूल। ठीक है, तो हम इन चारों नंबर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, तब जाकर हमें टोटल डिस्टेंस पता हो जाएगी। तो चलिए हम उन चारों नंबर को प्लस करते हैं, पहला था 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 350 मीटर प्लस 40 मीटर जो रोड था 40 मीटर, तो हम इन सब को प्लस करेंगे, 400 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 400 प्लस 150 हो जाएगा 550 के साथ 350 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 500 प्लस 300 850 प्लस 300 800 50 प्लस 50 100, तो हो गया 900 प्लस 40 हो जाएगा 940। तो यहां पर मोहन के घर से स्कूल तक का रास्ता 940 मीटर, इसका जो डिस्टेंस है मोहन को हर दिन 940 मीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, उसको हर दिन चलना पड़ता है 940 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लीव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। बच्चों नेक्स्ट आपकी जो बुक में यहां पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के नाम लिखना है, यहां पर देखिए फ्रेंड्स नेम, यहां पर आपके दोस्तों के नाम लिखना है और उनके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसे यहां पर लिखना है, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, जो आपके दोस्त लोग जो लिखेंगे, मान लीजिए किसी एक दोस्त के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके घर से स्कूल तक का रास्ता कितने दूर है उसको आप यहां पर लिखेंगे, या तो मीटर्स में लिखेंगे या तो किलोमीटर्स में। हम कब मीटर्स में लिखते हैं और कब किलोमीटर्स में लिखते हैं, बच्चों अगर 1000 मीटर से ज्यादा होती है या 1000 मीटर होती है उससे ज्यादा होती है तब हम उसे किलोमीटर में लिखते हैं, अगर 1000 मीटर से कम की डिस्टेंस होती है तो हम उसे मीटर में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, 600, 700, 800, 900 मीटर, इवन 999 मीटर, पर जैसे ही 1000 मीटर होती है तो हम उसे कहते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों आपको इस टेबल में अपने दोस्तों के नाम लिखना है, फिर उनके घर से
के स्कूल तक का जो डिस्टेंस है यहां पर लिखना है, फिर यहां पर दिए गए क्वेश्चंस को उस इस टेबल के आधार पर आपको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, फिर आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं कि आपके दोस्तों में से कौन स्कूल के सबसे करीब रहता है। ठीक है, हु लिव्स फार्थेस्ट फ्रॉम द स्कूल, आपके दोस्तों में से किसका घर स्कूल से सबसे दूर है। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, यानी कि स्कूल से 1 किलोमीटर के अंदर में, 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके अंदर में कितने दोस्त लोग रहते हैं। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, आपके दोस्तों में से कोई ऐसा कोई है जो स्कूल से 5 किलोमीटर दूर में रहता है, तो हमें यह बताना है कि वो स्कूल तक कैसे आता है। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, गेस एंड फाइंड आउट। बच्चों यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे आपको गेस करना है और पता करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रील, बच्चों आपके घर में धागा होगा जो मम्मी सिलाई करती होगी या घर में कोई भी सिलाई करता है, देखे होंगे ना धागा, उस धागे में आप देखिए जो रील होता है, जो धागा का जो रील होता है वो उसमें कितना लंबा धागा होता है, जब आप उससे धागा निकालोगे वो कितना लंबा होगा, आप गेस करके देखिए, क्या वो 200 मीटर का धागा होगा, 300 मीटर का धागा होगा, क्या किलोमीटर तक जा सकता है वो धागा। ठीक है, आप गेस करिए। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील, कैन इट बी मोर देन ए किलोमीटर लॉन्ग, बच्चों आपने कभी ना कभी तो पतंग उड़ाया होगा या किसी को देखा होगा जो पतंग उड़ाता है। ठीक है, तो पतंग उड़ाते हुए उसके पास स्ट्रिंग होता है, यानी जो धागा से वो पतंग पकड़ता है या उड़ाता है वो रील में रहता है ना, वो रील में जो धागा है, जो पतंग उड़ाने के लिए जो धागा है वो रील में कितना लंबा धागा होगा। देखिए पतंग कितनी ऊंची जाती है आसमान में ना, किलोमीटर भी शायद पहुंच जाती होगी, किलोमीटर 1-2 किलोमीटर भी जाती होगी, है ना, आप गेस करके देखिए कितनी ऊंची जाती है। तो उसमें जो धागा लगता है, अगर पतंग 1 किलोमीटर ऊपर जाती है तो धागा भी 1 किलोमीटर का होगा, तभी तो पतंग उतनी दूर उससे हम पकड़ के रखते हैं ना, तो आप गेस करके देखिए कि वो धागा कितना लंबा होगा। ठीक है, और अगर आपके पास है या आपके दोस्तों के पास अगर पतंग का जो स्ट्रिंग का जो रील है तो आप उनसे पूछ के देखिए कि वो जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, बच्चों जो हैंडकरचीफ होता है, जो रुमाल होता है, ठीक है, उसमें वो रुमाल तो धागे को बुनकर ही रुमाल बनता है, बच्चों अगर उस रुमाल का जो धागा है अगर उसे निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो कितना लंबा होगा, वो धागा कितनी लंबी धागों को जोड़कर वो हैंडकरचीफ बनाया हुआ है। ठीक है, उसे पता कर लीजिए, उसे गेस करिए, हैंडकरचीफ में लगने वाला जो धागा है उसे गेस कर देखिए कि वो कितना लंबा हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर एक छोटी सी पोएम दी हुई है, चलिए उसे पढ़ते हैं। आई विश आई वेयर ए काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाई, आई विश आई वेयर ए काइट, अगर मैं एक पतंग होता सो दैट आई कुड राइज, पतंग क्या करता है ऊपर उठता है, उड़ता है ना, सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाई, यहां पर देखिए यहां पर एक बिल्डिंग दी हुई है ना, ये देखिए ये एक बिल्डिंग दी हुई है, तो वो कहता है कि मैं पतंग बनकर उस बिल्डिंग से भी ऊंचा उड़ना चाहता हूं। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वेयर ए बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, बच्चे यहां पर देखिए ये जो बिल्डिंग से ऊपर है यहां पर देखिए पतंग उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है आई विश आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड होता सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, मैं उस पतंग से भी ऊंचा उड़ता, यानी कि चिड़िया पतंग से भी ऊंची उड़ती है, यहां पर देखिए ये रही चिड़िया। आई विश आई वेयर ए क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोस लिटिल बर्ड्स, तो काइट से ऊंचा कौन उड़ा, बर्ड। अब बच्चा कहता है आई विश आई वेयर ए क्लाउड, अगर मैं क्लाउड होता बादल होता सो दैट आई कुड मूव अबव दिस लिटिल बर्ड्स, यानी वो बर्ड से भी ऊंचा, बादल तो कितने ऊपर आसमान में रहता है ना,
देखो यहाँ पर बादल यहाँ पर है, ये बादल देखो चिड़िया से भी ऊपर है, तो बच्चा कहता है अगर मैं बादल होता तो मैं इन चिड़ियों से भी ऊपर उड़ता। I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. बच्चा कहता है I wish I were a plane, अगर मैं प्लेन होता, यहाँ देखे ये रहा प्लेन, I wish I were a plane, अगर मैं प्लेन होता so that I could rise above the clouds and the hills, तो मैं क्लाउड्स और हिल्स से भी ऊपर उड़ता। ये जो हिल्स है यहाँ पर जो हिल्स बनी हुई है इससे ऊपर, क्लाउड से भी ऊपर, बादल से भी ऊपर। बच्चों आपने देखा होगा प्लेन आसमान में कितनी ऊपर उड़ती है, बादलों से भी ऊपर उड़ती है ना। तो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं प्लेन होता तो मैं इन हिल्स और क्लाउड से भी ऊपर उड़ता। तो चलिए बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन दी हुई है उसे देखते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वाज इट। बच्चे इसे तो आपको पता करना होगा, आप अपने जो एक्सपीरियंस है आपने जो देखा है उसके बारे में लिखना है। विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, आपने अब तक सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है। ठीक है, आप बहुत सारे यहाँ पर होटल्स देखते होंगे, कितने सारे बिल्डिंग्स देखते होंगे ना, तो उसमें से आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है उस बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए। अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वाज इट, उस बिल्डिंग में एक के ऊपर एक कितने रूम्स बने हुए थे। ठीक है, जैसे कोई घर बनता है ना, हम लोग कहते हैं कितने फ्लोर्स के हैं, तीन फ्लोर्स, यानी तीन रूम्स है एक के ऊपर एक, तभी उसे कहते हैं थ्री फ्लोर्स। तो उसी प्रकार आपने अगर किसी बिल्डिंग को देखा है जिसमें फाइव फ्लोर्स है या टेन फ्लोर्स है, तो आप उस बिल्डिंग का नाम लिखिए। अगर टेन फ्लोर्स है तो आप लिख दीजिए अबाउट हाउ मेनी रूम्स आई, टेन रूम्स आई, अबाउट टेन रूम्स आई, यानी कि एक के ऊपर एक टेन रूम्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई कैन ए काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ हाई ए काइट कैन गो, आप जो पतंग उड़ाते हो वो पतंग कितनी ऊंची उड़ सकती है, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। बच्चों हमने जो पिछले अभी टॉपिक से देखा था कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, 72 मीटर्स, क्या पतंग उससे भी ऊंची उड़ सकती है। तो आप अगर गैस 72 मीटर यानी कि 100 मीटर्स के अंदर होता है, अगर पतंग आधे किलोमीटर तक भी उड़ता है तो वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा उड़ेगा। ठीक है, तो आप पता करिए कि पतंग कितनी ऊंची जा सकती है, अगर वो 72 मीटर से ऊपर जा सकती है तो आप यहां पर लिख सकते हो यस द काइट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट। बच्चों यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, एक एरोप्लेन जो होता है वो कितनी ऊंची उड़ सकता है, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। बच्चों जैसे आपने सुना ही होगा जो हमारा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, और उसका हाइट कितना है, अबाउट 9 किलोमीटर। आप सोच सकते हो एक रोड है जो कि आप 9 किलोमीटर लॉन्ग है, उसे आप अगर सीधा खड़ा कर दोगे तो उतना ऊंचा जाना पड़ेगा, 9 किलोमीटर हाई जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार क्या एरोप्लेन्स माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती है, 9 किलोमीटर के अराउंड ऊंचा उड़ सकती है। तो बच्चों ये आपको पता करना है और इसे लिखना है, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज 9 किलोमीटर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने कभी आपके नीचे से बादलों को उड़ते हुए देखा है। बच्चों अगर आप कोई हिल स्टेशन में जाओगे जैसे गैंगटॉक, दार्जिलिंग, अगर आप कोई हिल में चढ़ोगे या कोई माउंटेन में चढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्लाउड्स आपके आसपास से पार हो रही है, ऐसा लगेगा कि क्लाउड्स आपके नीचे से जा रही है। तो बच्चों आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि क्लाउड्स आपके आसपास या आपके नीचे से क्रॉस हो रही हो या जा रही हो, तो आप यहां पर लिख सकते हो आपका एक्सपीरियंस, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, तो आप इसमें लिख सकते हो कि व्हेन आई ट्रैवल्ड टू दिस एरिया या दिस प्लेस देयर आई सॉ द क्लाउड्स वेयर मूविंग बिलो मी
और मूविंग विथ मी, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दी हुई है, यहाँ पर देखिए आई विश आई वेयर में जितने भी क्वेश्चंस दी हुई है, इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है। जैसे आपने सबसे ऊंची कौन सी बिल्डिंग देखी है, एक पतंग कितनी ऊंची जा सकती है, हाउ हाई ए काइट कैन गो, हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, एक प्लेन कहाँ कितनी ऊंची फ्लाई कर सकते हैं। बच्चों आप अपने पेरेंट्स के हेल्प लीजिए, अपने घर पे अपने दोस्तों से पूछिए कि ये सब कैसे होते हैं, प्लेन कितना ऊंचा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में आप अपने एक्सपीरियंस को लिखिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं कुछ टॉपिकों के साथ आज हम अपना चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।